वाले दर्शकों को एक और सौगात मिलने जा रही है। आज से चिड़ियाघर में स्नैक हाउस यानी सांप घर दर्शकों के लिए खोला जा रहा है। इसमें सफेद अजगर सहित तरह तरह की प्रजाति के सांप रखे गए हैं। महापौर ने आज सांप घर और मुख्य प्रवेश द्वार का शुभारंभ किया। कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय में जहां देश विदेश के पशु पक्षी हैं, वहीं अब तरह तरह की प्रजातियों के सांप को रखने के लिए स्नैक हाउस बनाया गया है। तकरीबन 1 करोड़ रुपए की लागत से बने स्नैक हाउस में अभी अजगर सहित 12 प्रजातियों के सांप रखे गए हैं। आगे चलकर इनकी संख्या और बढ़ाई जाएगी। चिड़ियाघर में बनाए गए स्नैक हाउस और मेन गेट का शुभारंभ महापौर मिलानी गौर द्वारा किया गया। इसके बाद सांप घर जनता के लिए खोल दिया गया है ताकि उन्हें स्नैक हाउस में सांपों की प्रजाति के बारे में मालूम पड़ सके। प्रभारी अधिकारी डॉक्टर उत्तम यादव ने कहा कि स्नैक हाउस और मेन गेट दोनों का निर्माण तकरीबन 2.25 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। उन्होंने कहा कि स्नैक हाउस में अभी 12 प्रजातियों के जो सांप रखे गए हैं उनमें सफेद अजगर, रॉक पाइथन, क्रेट, रसेल वाइपर, कॉमन रेसर, बैम्बू पिट वाइटर, ग्रीन वाइपर, रेटिकुलेटेड पाइथन, दो मुंह का सांप, कोबरा और लाल सांप आदि शामिल है। आने वाले दिनों में जहां सांपों की संख्या बढ़ाई जाएगी वहीं दूसरे अन्य पशुओं को भी चिड़ियाघर में लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि आज से शुरू हुए स्नैक हाउस चिड़ियाघर घूमने आने वाले लोगों के लिए पूरी तरह से मुफ्त रहेगा। पर बना है और स्नैक हाउस किस तरह की सौगात है और कितनी एक्सपेक्टेशंस लग रही हैं जू के विकास? आज प्राणी संग्रहालय का जो हमने नवीन द्वार बनाया था करीब 1,45,00,000 की लागत से द्वार बना है। आज उसका लोकार्पण हुआ और 1,96,00,000 की लागत से स्नैक हाउस बना है। आज उसका भी हमने लोकार्पण किया है। स्नैक हाउस में कई प्रजाति के सांप यहाँ उपस्थित है, जैसे कोबरा है, वाइपर है और दो मुहा सांप है, पाइथन है जो मैसूर से आया है और कई सारे साउथ से यहाँ पर आने वाले हैं। ऐसे कई प्रजाति के सांप यहाँ हैं और कई प्रजाति के आने वाले हैं। तो आगे हमारे इंदौर को ये नई सौगात मिली है क्योंकि यहाँ स्नैक हाउस नहीं था, बाकी सब जानवर यहाँ उपस्थित है। भोपाल से भी अच्छा मुझे लगता है कि ये स्नैक हाउस बना है और बहुत सुंदर इस शहर को एक सौगात मिली है।